अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम विजिट करेंगे ये कॉर्नर हाउस बैरियटन लाहौर में। ये घर मौजूद है। इस घर के डिमेंशन 39x65 है, यानी इसका जो फ्रंट है वो नॉर्मल डिमेंशन 35x65 से 4 फीट ज़्यादा फ्रंट है इसका। ये आप देख सकते हैं, ये इसका साइड एलिवेशन बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है और ये बालकनी दी गई है विंडो के साथ। ये इसके लिविंग एरिया के साथ विंडो दी गई है, इसके साथ ही बालकनी दी गई है और ये विंडो आपको नज़र आ रही है, ये इसके बेडरूम की विंडो है। ये ऊपर इसकी ममटी की विंडो दी गई है और आप देख सकते हैं कंप्लीट इसमें ये साइड वॉल पे ये टेक्सचर वर्क हुआ है। 40 फीट रोड पे घर मौजूद है और मेन रोड के नियर टू इसकी लोकेशन है और ये इंतहाई मुनासिब रेट पे ये घर ऑफर हो रहा है। कमर्शल मार्केट और पार्क इसके इस लोकेशन के बिल्कुल नियर टू है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है। ये फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे ये टेरेस इसका डिज़ाइन किया गया और इसके साथ आप देख सकते हैं ये मार्बल वर्क हुआ है और ये पैच दिया गया इसमें टाइल वर्क हुआ है और ये राइट साइड पे विंडो दी गई है। इसके साथ बालकनी दी गई है। फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है और ये ऊपर टॉप पर इसकी ममटी का व्यू है। ये इसके फ्रंट मेन वॉल डिज़ाइन की गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये आउटर लॉन दिया गया है। ये इसका मेन डोर डिज़ाइन किया गया है, ब्लैक कलर में इसे पेंट किया गया, आयरन मेटल में इसे तैयार किया गया। ये इसके गैराज का व्यू, ये गैराज में आप देख सकते हैं आपकी 2 से 3 गाड़ियां यहाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। ये इसकी फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गई है और इंटरेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पे ये वॉल डिज़ाइन की गई है। ट्रेवटन मार्बल आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ किया गया, ये निश दी गई है और ये 5 फीट गली दी गई है। इसी साइज में ये गली इस घर की बैक साइड भी दी गई है और इंटरेस्ट के साथ राइट साइड पर यह फ्रंट ओपन स्पेस दी गई है, सिटिंग के लिए बेंच दिया गया है और ये फ्रंट पर आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स डिज़ाइन में टाइल वर्क हुआ है। ये वाटर यूनिट दिया गया, ये इसमें विंडो दी गई है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे इसके ड्राइंग रूम की विंडो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है और ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन, ये इसका टेरेस और ये इसके गैराज का व्यू, इस तरह इसके फ्रंट साइड डिज़ाइन की गई है और ये आप देख सकते हैं ये ग्लास इसमें यूज़ किया गया जो क्रॉस व्यू दे रहा है इसकी लॉबी की तरफ। ये इसके मेन डोर का डिज़ाइन, ये इसके गैराज का सीलिंग डिज़ाइन, ये मेन डोर से हम एंटर होंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी लॉबी डिज़ाइन की गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, शैंडल या इंस्टॉल है या निश दी गई हैं। ये स्टेयर्स दी गई हैं जो ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगे, स्टील स्टेयर्स दी गई हैं और ये स्टेयर्स के साथ ये पाउडर रूम दिया गया। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया का मेन डोर और ये ड्राइंग रूम का डोर दिया गया। पहले हम इसका ये लिविंग एरिया विजिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस के साथ ये निश दी गई, ये लाइट्स दी गई हैं। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू, ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये निश इसकी डिज़ाइन की गई है। सीलिंग डिज़ाइन, शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है, सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है। नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल्स की गई है। ये 2 बेडरूम दिए गए हैं इसके लिविंग एरिया में और ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस इंटरेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पर किचन स्पेस दी गई और ये ड्राइंग रूम एरिया और ये पार्टीशन की गई है लिविंग एरिया की ड्राइंग रूम से। ये इसके ड्राइंग रूम का व्यू, ये आप देख सकते हैं ये डोर इसकी लॉबी की तरफ ओपन हो रहा है। ये विंडो दी गई है जो भी हमने बाहर से विजिट की है, काफ़ी वाइडर स्पेस है इस विंडो के। ये नीचे ग्राउंड पे ये 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। ये इसके ड्राइंग रूम का व्यू, खूबसूरत ग्लोब या इंस्टॉल है। ये बिल्कुल सामने लिविंग एरिया, ये ड्राइंग रूम का सीलिंग डिज़ाइन, खूबसूरत शैंडल या इंस्टॉल है। ये हम वापस आ गए हमें इसके लिविंग एरिया में। ये 2 बेडरूम दिए गए नीचे और ये किचन स्पेस, पहले हम इसका किचन विजिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज में इसका किचन डिजाइन किया गया है। ये कवर्ड स्पेस, ये ग्लास इसमें यूज किया गया कवर्ड डोर में, बर्नर वुड या इंस्टॉल है और ये वॉल के साथ कंप्लीट टाइल वर्क हुआ है। सिंक ये डोर दिया गया, ये विंडो दी गई जो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी। ये इसका सीलिंग डिजाइन और इंटरेस्ट के साथ राइट साइड पर यह फ्रिज के लिए स्पेस दी गई और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कवर्ड स्पेस दी गई। ये किचन का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। ये इसके लिविंग एरिया का व्यू अगेन, ये ड्राइंग रूम एरिया और ये 2 बेडरूम दिए गए हैं। पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं मास्टर साइज में इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन,
और इस वॉल डिजाइन को मर्ज किया गया। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू आ रहा है। ये इसका फैन या इंस्टॉल है, बिल्कुल सामने विंडो दी गई जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। नीचे ग्राउंड पे दो बाय चार की टाइल उसकी की। ये इसमें वॉशरूम से पहले ये कवर्ड स्पेस दी गई है यहाँ। ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये वैनिटी दी गई है, इलेक्ट्रिक मिरर, ये शावर स्पेस को ग्लास कैबिन से सेपरेट किया गया, ये सीलिंग डिजाइन कंप्लीट या टाइमर को है, ये कंसील कमोड या इंस्टॉल है। ये इस वॉशरूम का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिजाइन, ये नीचे ग्राउंड में टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया, ये हम विजिट कर लेते हैं। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन हो गई है। ये इसकी मीडिया वॉल डिजाइन की गई है और ये बेड सेट वॉल डिजाइन की गई है। ये आप देख सकते हैं ये वॉल डिजाइन को और ये सीलिंग डिजाइन को मर्ज किया गया, वुडन वर्क हुआ या फैन या इंस्टॉल है। ये नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल उसकी की है। ये कवर्ड स्पेस, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये वैनिटी, इलेक्ट्रिक मिरर, शावर सेट, कमोड या इंस्टॉल है कंप्लीट या टाइल वर्क हुआ है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये हम वापस आ गए बेडरूम में। ये बेडरूम का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। ये दो बेडरूम दिए गए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, बिल्कुल सामने किचन स्पेस, ये इसका लिविंग एरिया और ये ड्राइंग रूम साइड। तो इसका ये ग्राउंड फ्लोर हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। इसके लिए हम वापस आ गए इसकी लॉबी में। ये इसका मेन डोर, ये ड्राइंग रूम का डोर, ये इसकी लॉबी का व्यू, ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये स्टेज इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच कर रही है। आप देख सकते हैं स्टील स्टेज दी गई है, स्टेज के सामने ये वॉलपेपर यूज किया गया, लाइट्स दी गई है। ये इसमें विंडो दी गई है, टेरेस की विंडो है, ये टेरेस का डोर दिया गया। ये हम ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पे इसकी लॉबी में। ये इसका सीलिंग डिजाइन, शैंडल या इंस्टॉल है, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये फ्रंट साइड पे बेडरूम दिया गया और इसके साथ ही टेरेस का डोर है, यानी कि फ्रंट साइड पे फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम डिजाइन किया गया और टेरेस। ये इसके लिविंग एरिया का मेन डोर, ये लिविंग एरिया हम पहले विजिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है इसके लिविंग एरिया को डिजाइन किया गया। ये विंडो दी गई, इसके साथ बालकनी दी गई, इसकी साइड 40 फीट रोड की तरफ ओपन हो रही है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, खूबसूरत शैंडल या इंस्टॉल है, ग्लास इसमें यूज किया गया, सिंपल और खूबसूरत इसका सीलिंग डिजाइन। ये मीडिया वॉल दी गई है, ये नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं 2x4 की टाइल यूज़ की गई है। ये बिल्कुल सामने किचन स्पेस, इसके साथ ये स्टोर रूम दिया गया और ये दो बेडरूम दिए गए। पहले हम इसका ये स्टोर विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कवर्ड स्पेस दी गई है, इसके साथ ये किचन दिया गया, ये कवर्ड स्पेस, ये वॉल के साथ कंप्लीट टाइल वर्क, बर्नर हुड या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिजाइन, ये फ्रिज के लिए स्पेस दी गई है, या नीचे ग्राउंड पे ये 2x4 की टाइल यूज की गई, सिंक या इंस्टॉल है। इस तरह इसका वॉशरूम डिजाइन किया गया। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में और ये दो बेडरूम दिए गए हैं। पहले हम इसका ये फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। ये बिल्कुल सामने विंडो दी गई है जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी। ये इसमें बेड सेट बोल दी गई है, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं ये एलईडी यूनिट। ये इसका सीलिंग डिजाइन, फैन या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पे ये 2x4 की टाइल यूज की गई है। ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये कवर्ड स्पेस, ये कंसील कमोड, शावर सेट या इंस्टॉल है, ये राउंड मिरर दिया गया इलेक्ट्रिक, ये इसकी वैनिटी कंप्लीट या टाइल वर्क हुआ है। ये इसमें विंडो दी गई जो इसकी बैक 5 फीट गली की तरफ ओपन होगी वेंटिलेशन के लिए। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में। ये इसके बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिजाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क,
इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया, ये विजिट कर कहते हैं, ये बिल्कुल सामने बेडशीट वॉल दी गई, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये विंडो दी गई जिसकी साइड चार सीट रोड की तरफ ओपन हो रही है, ये इसका सीलिंग डिजाइन, फैन या इंस्टॉल है, ये बेडशीट वॉल के सामने, ये एलईडी यूनिट मीडिया वॉल दी गई है, और इसके साथ आप देख सकते हैं इस वॉल को भी कम्प्लीट डिजाइन किया गया, इसे भी आप एज अ बेडशीट वॉल यूज कर सकते हैं इस तरह के। इसके साथ ये वॉशरूम से पहले ये कवर्ड स्पेस, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये वैरायटी दी गई है, इलेक्ट्रिक मिरर, शावर सेट या इंस्टॉल है, कमोड या इंस्टॉल है, ये इसमें कंप्लीट टाइल वर्क, ये विंडो दी गई है जिसकी बैक फाइव फिट गली की तरफ ओपन होगी, ये सीलिंग डिजाइन, ये इस बेडरूम का फुल व्यू, ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में, ये लिविंग एरिया हम कंप्लीट विजिट कर चुके हैं, ये बिल्कुल सामने दो बेडरूम दिए गए, ये हम विजिट कर चुके हैं, और ये एंट्रेंस के साथ राइट साइड पे किचन स्पेस, ये स्टोर रूम, अभी हम इसका थर्ड बेडरूम विजिट कर लेते हैं, इससे पहले अगेन इस लिविंग एरिया का फुल व्यू, ये इसमें थर्ड बेडरूम दिया गया, ये इसके फ्रंट साइड पे डिजाइन किया गया बेडरूम, ये इसमें विंडो दी गई है जो साउंड सिस्टम के फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है, इसके साथ ही बालकनी दी गई है, ये इसमें वॉशरूम का डोर, ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर या इंस्टॉल है, ये इसमें बेडसाइड वॉल डिजाइन की गई है, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये कवर्ड स्पेस, ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये आप देख सकते हैं शावर स्पेस को ये ग्लास कैबिन से कंप्लीट सेपरेट किया गया, ये विंडो दी गई जो उसके टेरेस की तरफ ओपन होगी, कंसील कमोड या इंस्टॉल है, ये बिल्कुल सामने वैनिटी, इलेक्ट्रिक मिरर कंप्लीट या टाइल वर्क हुआ, ये इसका सीलिंग डिजाइन एग्जॉस्ट या इंस्टॉल है, ये हम वापस आ गए मैं बेडरूम में, ये इसके बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिजाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क, ये हम वापस आ गए इसके लॉबी में, ये फ्रंट साइड पे बेडरूम डिजाइन किया गया, इसके साथ ही टेरेस दिया गया फ्रंट साइड पे, ये हम इसका टेरेस विजिट कर लेते हैं, ये इसका टेरेस डिजाइन, ये आप देख सकते हैं कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल नजदीक इस घर की लोकेशन है, कॉर्नर हाउस है ये, और इसमें तकरीबन सवा मरला इसमें एक्स्ट्रा लैंड है, ये भी हम लास्ट में इसके छत और मम्मी विजिट कर लेते हैं, ये इसकी मम्मी का सीलिंग डिजाइन, ये विंडो दी गई है, ये इसकी छत का मेन डोर, ये आप देख सकते हैं ये सर्वेंट रूम दिया गया लहदा से यहाँ, और ये वॉशरूम दिया गया, ये कंप्लीट यहाँ मार्बल वर्क हुआ है, ये इस ब्लॉक का व्यू है, 12 ब्लॉक में ये घर मौजूद है, इंतहाई मुनासिब इस घर की डिमांड है, 465 इस घर की डिमांड कर रहे हैं, 11.5 मरला ये घर है, जो दोस्त या क्लाइंट्स में इंटरेस्टेड है हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं, इसके साथ हम इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।